आज का अपना टॉपिक है इनक्यूबेशन पीरियड्स को कैसे याद करें। कई जनों ने कई निमोनिक बना दिए, निमोनिक बेस पे पढ़ने पड़ेंगे। अपना याद करने का तरीका समझिए, धीरे धीरे एकदम क्लास लेने से पहले जब भी आपको समझना हो इनक्यूबेशन पीरियड्स को याद कर रहे हैं, एकदम फ्रेश एनर्जेटिक माइंड, उसके बाद में इन चीजों को अपने माइंड में सेटअप करते चले। इनक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज के एक डिजिट याद करने की कोशिश करिए, 7 to 14 days। आराम से समझिएगा इस टॉपिक को, 7 to 14 days, ठीक है। अब ये 7 to 14 days की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, 7 to 14 days के आगे लिखेंगे आप किस में देखने को मिलेगा, तो आप लिख लीजिए पोलियो, पोलियो एंड पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, क्लियर। 7 to 14 days किस में देखने को मिल रहा है आपको, 7 to 14 days आपको देखने को मिल रहा है पर्ट्यूसिस के अंदर एंड पोलियो के अंदर, ठीक है। आगे सीरोलॉजिकली समझने की कोशिश करें। अब ये 7 से और 14 के बीच में क्या क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है आपके पास में 6 to 10, क्लियर, फिर 6 to 10, फिर 10 to 14, 7 से 14 आपने एक बार एवरेज अंक बनाने की कोशिश करी। 7 to 14 के बीच में क्या आ रहा है, 6 to 10, 7 to 10 भी लिख सकता था लेकिन 6 to 10 याद करें, 6 to 10 और 10 to 14, क्लियर। आई अगेन रिपीट, 7 to 14 इसके अंदर क्या क्या है, 6 to 10 एंड 10 to 14, क्लियर। अब 14 से आगे रख लीजिए 14 to 16, क्लियर। अब इसमें लिख दीजिए आप डेज, डेज, क्लियर। यहां पर देखें आप 7 to 14 में क्या क्या बताया मैंने आपको, एक तो बताया पोलियो और एक बताया पर्ट्यूसिस। अब इसके आगे लिखें टीएमसी, टीएमसी, टी फॉर होगा टिटनस, टी फॉर क्या है टिटनस, नेक्स्ट नंबर पे मीजल्स एंड फाइनली सी फॉर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, क्लियर। अब आप बनाने की कोशिश करें एक बार, पर्ट्यूसिस एंड पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 to 14 days, टिटनस का कितना होता है 6 to 10 days, मीजल्स का कितना होता है 10 to 14 days और चिकन पॉक्स का कितना होता है 14 to 16 days, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन यहां पर और बनाने की कोशिश करें तो वाइब्रो कोलेरा, वाइब्रो कोलेरा इसका कितना होगा, तो आप इसका रख देंगे 1 to 2 days, कितना होगा 1 to 2 days। अब आप और बनाने की कोशिश करिए, एक आपने एम एम आर वर्ड सुना होगा, मीजल्स मम्स एंड रूबेला, क्लियर, मीजल्स, मीजल्स एम फॉर मीजल्स, क्लियर, एम फॉर मम्स एंड आर फॉर रूबेला, समझिए। मीजल्स का कितना बताया मैंने आपको, अभी भी बताया मैंने 10 to 14, कितना बताया 10 to 14, इससे आपने बना लिया। मम्स का अब ये तीनों एक साथ है तो इनको बढ़ाते चलो 14 to 18, रुबेला का 18 to 21 या फिर 2 से 3 वीक, क्लियर। यहां पर ये भी आपके सामने याद हो गए, ये सब मैं दोबारा बना करके दिखाऊंगा आपको।
तो एमएमआर बेस्ड पर मीजल्स मम्स रुबेला, मीजल्स का कितना बनाया था अपन ने 10 to 14, तो मम्स का कितना बना 14 to 18, चार और जोड़ दीजिए, और उसके बाद में रुबेला में कितना जोड़ा 18 to 21 या सेकंड और थर्ड वीक। क्लियर? अब आप देखें वाइब्रो कोलेरा कितना था, वाइब्रो कोलेरा था 1 to 2 days। अब इसके संग में टाइफाइड रख दो, एक बार वाइब्रो कोलेरा के संग में क्या रख दो, टाइफाइड, इसमें डेज की जगह कर दो वीक, 1 to 2 week। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया आपके सामने। क्लियर? तो अब अगर अपन नेक्स्ट नंबर पे देखें डीपीटी, ये भी सुन रखा है आपने, डिफ्थीरिया परक्यूसिस एंड टिटेनस, डी फॉर डिफ्थीरिया, पी फॉर पार्टियोसिस एंड टी फॉर टिटनस। अब आपने कौन कौन से बना रखे हैं, आपने बना रखे हैं टिटनस का, आपको पता है टिटनस में टीएमसी आया, ये देखिए आप अपने आप टीएमसी, टिटनस में क्या रखा आपने 6 to 10 days, अपन को यहां पर बार बार इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, 6 to 10 days तब भी लिख देते हैं। पार्टियोसिस का आपको पता ये कितना है 7 to 14 days, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 7 to, पर्ट्यूसिस कितना है 7 to 14 days। अब बचा क्या, 7 to 14 से पहले का अंक यहां पर लिख दो डिफ्थीरिया में 1 to 7 days। बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है आपको समझ में, समझ रहे? आपने कौन कौन से बना लिए एक साथ लिख लो। नंबर वन आपने लिखा पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, पोलियो। क्लियर? कितना हुआ 7 to 14 days। क्लियर? फिर अगेन 7 to 14 days। अब 7 to 14 के बीच के अंकों को 6 से 10 और 10 से 14 है, ठीक है, लिख देता हूं पहले 6 to 10 days एंड 10 to 14 days। क्लियर? एंड 14 to 16 days। क्लियर? अब आप देखें 6 to 10 days के अंदर क्या रखा था आपने टिटनस, क्लियर, टीएमसी, एम फॉर मीजल्स, ये भी क्लियर, और सी फॉर चिकन पॉक्स, क्या बोला अपन ने, चिकन पॉक्स। समझ रहे हैं बात को? अब यहां पर देखें और क्या बनाए थे मैंने, यहां पर मैंने बनाया एमएमआर, एमएमआर बनाया आपके सामने, दोबारा से सारी चीजों को मैं बना रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम कितना है 10 to 14, तो एम कितना होगा मीजल्स 10 to 14, तो मम्स कितना होगा 14 to 18, और रुबेला कितना होगा 18 to 21, जैसा मैंने अभी बताया आपको, मतलब सेकंड और थर्ड भी। तो नेक्स्ट लिख लो आप मम्स कितना होगा इसका, मम्स का होगा आपके सामने 14 to 18 days। क्लियर? उसके बाद में रुबेला का कितना होगा, रुबेला का होगा आपके पास में 2nd to 3rd week। क्लियर? समझ में आई बात आपको, यहां तक एकदम क्लियर चल रही है आपकी बात। मलेरिया की अगर बात करें, मलेरिया की बात करें 12 to 20 days, 12 to 20 days। समझ रहे हैं? हेपेटाइटिस ए की अगर बात करें तो 15 to 30 या 45 days। ये चीजें आपको कॉमन याद होनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी इसके कितना होता है 45 to 185 days। क्लियर? जहां तक मैं समझ रहा हूं आपके सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, समझ रहे हैं? अब क्या बचा, डीपीटी और जोड़ लो। डीपीटी पर्ट्यूसिस कितना बताया 7 to 14, तो इससे पहले का क्या बच गया 1 to 7 days। तो डिफ्थीरिया कितना हो गया, डिफ्थीरिया हो गया 1 to 7 days। क्लियर? रेबीज की बात करें, रेबीज का कितना हो गया तो 3 to 8 weeks। क्लियर?
यहां पर पढ़ाते पढ़ाते मेरे को चीज याद आई, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। इस समय एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार पैंडेमिक बीमारी फैली थी, उसने जी तोड़ मेहनत करी, सुबह शाम दिन रात सालों साल वो मेहनत करता रहा, वैक्सीन बनाने में लगा रहा वो। ड्यूरिंग दिस पीरियड उसके 3 बेटियां थी, उनकी डेथ हो गई, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने टारगेट को फॉलोअप किया, उसने जनहित में काम किया। धीरे धीरे उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने लगी, उसकी वाइफ ने उससे कुछ टाइम देने के लिए कहा, उसकी वाइफ की वेटलिस्ट डेथ हो गई। अब वो क्या कर रहा है, अकेला रह गया वो अपनी लाइफ के अंदर, बीमार होने लगा, पैरालिसिस भी होने लगा, लास्ट में जाकर उसको पैरालिसिस भी हो गया। पर एंड ऑफ लाइफ तक उसने एक ऐसी वैक्सीन की खोज की जो उस समय टॉप डेथ रेट को बढ़ा रही थी। ईयरली एवरेज 1 करोड़ पॉपुलेशन इस बीमारी से मर रहे थे और उसका नाम था रेबीज। लास्ट में जाकर के जब उसकी वैक्सीनेशन डॉग्स पे कंफर्म हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि एक मां अपने बेटे को उसके पास में लेकर के आई, उसने बोली कि मेरे बच्चे को डॉग खा गया है तो प्लीज इसकी मदद करिए। उसकी ट्रायल ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं थी, लेकिन उसने सोचा इस बात को कि अगर मैंने इनको वैक्सीन नहीं दी तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा वैसे भी मर जाएगा, और अगर दी तो हो सकता है कोई चांस हो वो बच भी जाए। तो उसे स्मॉल अमाउंट में दी और इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि वो बच्चा भी जीवित रह गया। तो जब किसी इतने बड़े साइंटिस्ट ने इसकी खोज की जिसमें उसको सालों साल लग गए और एटलीस्ट उसने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तैयार भी किया, तो मैं ये सोच सकता हूं कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि का इंक्यूबेशन पीरियड तो डेफिनेटली आपको याद होना ही चाहिए, 3 to 8 weeks। और जहां तक मैं सोचता हूं कि अब आप रेबीज के बारे में नहीं बोलोगे कि 3 to 8 weeks इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज। और उस महान साइंटिस्ट का नेम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर की अगर बात आ जाए, लुईस पाश्चर की अगर बात आ जाए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको अभी एक कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश की कि इसने किसकी खोज की थी। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि लुईस पाश्चर सर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। क्लियर। अब यहां पर रेबीज वैक्सीन को जहां तक मैं सोच सकता हूं, अगर आप मेरी क्लास को फुल कंसंट्रेशन के संग में ले रहे हैं तो आप अब यह वर्ड नहीं बोलेंगे कि रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो आपको बोल दिया लुईस पाश्चर ने की थी। तो यहां पर कुछ टर्म और जोड़ दो, वैक्सीन टर्म कौन लाए थे, तो वो भी कौन लाए थे, लुईस पाश्चर जी। लाइव वैक्सीन की खोज किसने की थी, लाइव वैक्सीन की खोज वो भी किसने की थी, लुईस पाश्चर जी ने। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन रहे, तो वो भी आपने क्या बोल दिया, लुईस पाश्चर जी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बोले कि स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी, तो वो भी किसने बोल दिया, लुईस पाश्चर जी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बोले हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव किसने खोजे, तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे, लुईस पाश्चर जी। इतनी चीजें एक बार समझिए कि लुईस पाश्चर ने क्या क्या करे। मैंने जिस प्रकार से मैं अपना फुल एफर्ट्स लगा के आपको एकदम क्लीन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेन चीजें जो बहुत ज्यादा पेपरों में आती है, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब इसके बाद दूसरे रख देते हैं हम रॉबर्ट कॉच। बैक्टीरियोलॉजी जनक कौन है,
आपने बोल दिया बैक्टीरियोलॉजी के जनक है रॉबर्ट कॉच। अब बैक्टीरिया के नेम रख दो याद तो आपको रॉबर्ट कॉच के काम याद आ जाएंगे। ट्यूबरसल बैक्टीरिया की खोज किसने की? ट्यूबरसल बैक्टीरिया की खोज बैसिली, तो आप बोल देंगे रॉबर्ट कॉच। एंथ्रेक्स बैसिली, तो भी आप बोल देंगे रॉबर्ट कॉच। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस खोज किसने की? तो भी आप बोल देंगे रॉबर्ट कॉच। क्लियर? याद आ रहे हैं आपको? बैक्टीरियोलॉजी से बैक्टीरिया बनाओ और बैक्टीरिया के नेम के आधार पर आप रख दो यहां पर नेम। वाइब्रोकोलेरा की खोज किसने की? नो कंफ्यूजन, वाइब्रोकोलेरा की खोज किसने की? तो आप तुरंत आप आज आंसर देंगे रॉबर्ट कॉच। जहां तक आप इसको समझेंगे, निमोनिक बनाने से नहीं हो गए याद, समझिए बात को। समझने से आपके माइंड के एक स्लाइड नुमा सेल के अंदर फिक्स हो जाएगा और उसके बाद में वो कभी नहीं भूलेंगे आप। समझ रहे हैं बात को? लुईस पाश्चर जैसे सम्मान साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वैक्सीन के पीछे, तो वैक्सीन टर्म ही अगर आप लुईस पाश्चर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। वैक्सीन नाम किसने दिया? लुईस पाश्चर ने दिया। रेबीज वैक्सीन किसने दी? लुईस पाश्चर ने दी। स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी? लुईस पाश्चर ने दी। माइक्रोबायोलॉजी किसने दी? लुईस पाश्चर ने दी। समझ रहे हैं बात को? स्टरलाइजेशन, हॉट एयर वन, ऑटोक्लेव, लाइव वैक्सीन, फर्स्ट लाइव वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन। तो ये जो कंटेंट है इनको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहां पर इस प्रकार से सिंपली इन टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। कॉमन वर्ड लें, कॉमन वर्ड में पूछे आपसे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो बोल देंगे आप लैंडस्टीनर। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आपसे अगर पूछे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की, तो आप बोल देंगे एंटनी वॉन लियोनहॉक, लियोनहॉक। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इनके नाम अजीब से होते हैं, इनको ऐसे ही याद करके फ्री करते हैं, एंटनी वॉन लियोनहॉक। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें कॉमन जो आपसे पूछे जाते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आप बोल लेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब माइकोबैक्टीरियम लैप्रे की खोज किसने की, जिसके ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सोना होती है, तो उसको आप बोल देंगे हैंसन, क्योंकि इसके दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज। ये नेम के आधार पर है। कोराइनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे क्लैप्स एंड लॉफलर। ये कॉमन है जो आपको याद रखने हैं। समझ रहे? अब आपने देखा बातों बातों में आपने क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इनक्यूबेशन पीरियड जो कॉमनली पूछे जाते हैं, और आविष्कारक जनक जो कि कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, या फिर बैक्टीरियोलॉजी की खोज किसने की, माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की, वैक्सीन की टर्म किसने दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की, हॉट एयर वन की खोज किसने की, तो इस प्रकार से कई चीजें जो क्वेश्चन बार बार घूमते हैं, इनको याद करने का तरीका है। मैं एक बार और रिमाइंड करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इस चीजों को सब याद हो जाए आपको। देखिए फाइनली अगर अपन बात करें एक बार फर्स्ट क्विक रैक तुरंत अगर अपन को यहां पर समझे, क्विक रिकैप कर रहे हैं अपन यहां पे। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड जो आपने अभी पढ़ा, इसको एक बार और देख लीजिए क्या आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा। 7 to 14 क्या क्या आया बीच में? 7 to 14 के बीच में आया 6 to 10 और 10 to 14। क्लियर? और 14 to 16 और 1 to 2। डेज रख दो हर जगह पे, डेज, ये डेज, ये डेज और ये डेज। क्लियर? ये डेज यहां पर आपको रखना है, पी और पी, पी एंड पी,
पीआरपी का मतलब पोलियो, निमोनिक बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। पोलियो एंड पर्टिसिस, यहां के लिए आपने रख दिया टी एम सी, टी फॉर टिटनस, टी फॉर टिटनस, एम फॉर मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और ये हो गया आपका अकेला जो बैठा हुआ है वाइब्रो कोलेरा। अब इसको अकेले मत रहने दो, वाइब्रो कोलेरा को अकेले मत रहने दो, इसके संग में टाइफाइड रख दो। टाइफाइड रखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का डिजिट एक ही है लेकिन डेज अलग है, 1 to 2 week, 1 to 2 week, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अदर तरीके से समझो, MMR करके देख लो। MMR में मीजल्स मंथ रुबेला, मीजल्स का कितना बता दिया 10 to 14, तो मंथ का कितना हो गया 14 to 18, और रुबेला कितना हो गया 18 to 21, इट मीन्स 2 to 3 week एवरेज, क्लियर। तो नेक्स्ट नंबर पे क्या लिख दिया आपने, नेक्स्ट नंबर पे लिख दिया मीजल्स, मीजल्स मीजल्स तो आपको क्लियर लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं 10 to 14 days, ताकि आपको याद भी रहे। मम्स, मम्स में आगे बढ़ा दो 4, 14 to 18 days, और रुबेला में बढ़ा दो फिर 4, इसका मतलब एवरेज 2 to 3 week, क्लियर। अब आगे समझो डीपीटी रख के देखो, डीपीटी, अब पी और टी तो क्लियर है आपके सामने। पी फॉर क्या था, पर्टुसिस 7 to 14, टी फॉर क्या था, टिटनस, ये कितना था 6 to 10, क्लियर 6 to 10। तो यहां पर क्या होगा, 7 to 14 से पहले क्या होगा 1 to 7, इट मींस डिफ्थीरिया कितना हो गया, डिफ्थीरिया हो गया आपके सामने 1 to 7, क्लियर। मलेरिया, मलेरिया बीमारी बहुत कॉमन है, ये आपने रख दिया 12 to 20 days, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे रेबीज वैक्सीन, अब आप इसको कैसे भूल सकते हो रेबीज वैक्सीन, जिस साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी उसके लिए आप भूलने का काम ही नहीं कर सकते, तो एवरेज आप इसको लिख लो 3 to 8 weeks, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन और बात करें हेपेटाइटिस ए, तो आप रख दीजिए 15 to 13 days, अगर आपसे बात करें हेपेटाइटिस बी तो आप रख लीजिए 45 to 185 days, और जो मोस्ट कॉमन आपको लग रही हो उनको नियर बाय रख करके आप और बना सकते हैं। ये मैंने वो चीजें कलेक्ट करी हैं जो कि आपसे बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। अब यहीं पर आपको एक कहानी सुनाई लुईस पाश्चर जी की, तो लुईस पाश्चर जी की कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आपने कर दिया, ये साहब बहुत तगड़े साइंटिस्ट थे जिसने वैक्सीन की खोज कर दी, और जिस वैक्सीन की आज हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन के लिए भी आज अपने कई सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर जी, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया सिर्फ एक वैक्सीन बनाने के पीछे, क्लियर। तो वैक्सीन टर्म किसने दी, लुईस पाश्चर जी ने दी। वैक्सीन की अगर बात करें, लाइव वैक्सीन किसने दी, तो आप बोल देंगे लाइव वैक्सीन दी आपको लुईस पाश्चर जी ने। नेक्स्ट नंबर पे अगर बोले फर्स्ट लाइव वैक्सीन कौन सी, एंथ्रेक्स वैक्सीन है। नेक्स्ट नंबर पे स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी, तो भी आप बोल देंगे लुईस पाश्चर जी ने। हॉट एयर ओवन लुईस पाश्चर जी, ऑटोक्लेव लुईस पाश्चर जी, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेक्ट्रा, क्लियर। अब बात करें लुईस पाश्चर जी के संग में, तो एक और रख दो रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कॉच के बारे में बताई दिया, बैक्टीरियोलॉजी, सारे के सारे बैक्टीरिया, लगभग बैक्टीरिया कहना चाह रहा हूं, पर मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम में आते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और वाइब्रो कोलेरा, ट्यूबरसल बैसिली, एंथ्रेक्स बैसिली, ट्यूबरसल बैसिली, एंथ्रेक्स बैसिली की खोज किसने की, तो आप यहां पर भी वही वर्ड बोलेंगे कौन किसने की, रॉबर्ट कॉच ने। अगर आप बोले पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर अगर आपसे पूछे कि डिफ्थीरिया कोरिनेबैक्टेरियम डिफ्थीरिया की खोज किसने की, तो आप क्लैस एंड लॉफलर, क्लैस एंड लॉफलर। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्रे की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे हैंसन, बिकॉज इट्स आल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज। यर्सिनिया पेस्टिस जो प्लेग करता है उसकी खोज किसने की, यर्सिनिया पेस्टिस की खोज किसने की, भाई साइंटिस्ट का नेम है यर्सिनिया, तो इसी ने क्या करा होगा, प्लेग की खोज करी होगी यर्सिनिया पेस्टिस, क्लियर। थैंक्स।